सभी देखने वालों को नमस्ते। स्वागत है आपका हिमाचली हेल्दी किचन में। आज सबसे पहले तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ सुनाना चाहती हूँ, जो कि है ये कि आपके अपने हिमाचली हेल्दी किचन के आज 1K सब कंप्लीट हो गए हैं, जो कि भगवान की दया से साथ में आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोगों ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आप लोगों के सहयोग के बिना ये हो ही नहीं सकता था, तो इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद है। इसी खुशी में मैं आज गणपति जी के लिए भोग बनाने वाली हूँ, जो है उनके मन पसंदीदा मोदक। तो आइए देखते हैं कैसे बनेंगे। यहाँ कुछ चावल काटा लिया है, जितना चावल काटा है उतना ही हमने पानी लेना है। कुछ बादाम को मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया था, काजू को भी छोटे छोटे पीस में काट लिया है, कोकोनट को कद्दूकस से मैंने घिस लिया है। चीनी आगे ली है मैंने, जो कि पीसी हुई चीनी मैंने ली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम इसे ले सकते हो। यहाँ शुद्ध देसी घी के मैंने 2 चम्मच लिए हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे चावल का आटा है, इसे हमें पानी में पकाना है। पहला स्टेप ये होगा, तो आइए इसे पकाते हैं। गैस पे कोई भी पैन लगा दिया, उसमें जो पानी लिया था वो डाल दिया, गैस को चला दिया है। पानी को हमें अच्छे से उबालना है। पहले इसमें डाल देंगे जो हमने घी लिया था, वो 1 चम्मच से कुछ कम हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे। घी को अच्छे से इसमें पिघलाना है हमें। ये देखिए यहाँ पे घी अब अच्छे से पिघल गया है। यहाँ मैंने गैस को अब बंद किया, क्योंकि इसमें हमने अब चावल का आटा मिलाना है। ध्यान दीजिएगा, गैस बंद ही होनी चाहिए। ये डाल दिया मैंने इसमें चावल का आटा। मिला देंगे अच्छे से पानी में चावल के आटे को। ध्यान देना है कि कोई इसमें गिटलियाँ ना आए। चलाते हुए देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिला दिया। बस इतना ही इसे मिलाना है। अब इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। जब तक आटा अच्छे से फूलेगा, तब तक जो इसकी स्टफिंग है हम वो बना लेंगे। कोई भी पैन लगा दिया, गैस को मैंने चला दिया है। अब जो घी था उसमें से कुछ घी हम इसमें डाल देंगे। कुछ घी हमने बचा लिया है, ये आगे यूज़ होगा। घी अच्छे से मेल्ट हो गया, अब इसमें हम काजू बादाम डाल देंगे। हल्का सा काजू बादाम को हम घी में पकाएंगे। बिल्कुल हल्का हल्का ही इन्हें पकाना है। बस अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने कोकोनट घिसा था, बस इसे भी हम बिल्कुल हल्का ही पकाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब टोटल 1 मिनट लगेगा इन सबको पकाने में। आधे मिनट का टाइम हुआ होगा, बस हमने ज़्यादा नहीं पकाना है। बस अब ये भी हो गया। अब इसमें हम जो पीसी हुई चीनी है ना, वो डाल देंगे। साथ साथ ही ये डाल देना है, बस कुछ कुछ सेकेंड पकने के बाद। तो चीनी डाल देंगे अब इसमें हम। ये देखिए, चला देंगे चीनी को भी इसमें साथ। बस आप टोटल टाइम देख लीजिएगा, 1 मिनट के आसपास का टाइम लगेगा इसे पकाने में। बस हमने चीनी को इसमें मिला दिया, बस इतना ही पकाना है। अब इस पॉइंट पे गैस को किया बंद। अभी हल्का सा हम इसे चला लेंगे गैस बंद के बाद भी, क्योंकि इसमें कुछ हीट है ना अभी, तो हो सकता है कि ये नीचे से जल जाए। ये देखिए, अच्छे से मिला लिया इसको। अब इसको होने देंगे हम ठंडा। जब तक स्टफिंग ठंडी होती है, तब तक हम आटे का डो लगा लेंगे सॉफ्ट सा। जो आटा था उसे निकाल दूंगी प्लेट में। जो आटा है चावल का, वो बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। इतना ठंडा होना चाहिए कि हम उसे छू सकें, क्योंकि ज़्यादा ठंडा हो गया तो वो अच्छे से गूंदा नहीं जाएगा। अब हमने अच्छे से इसमें 2 से 3 मिनट लगा के बहुत ही मसल मसल के इस आटे को सॉफ्ट बनाना है। जितना सॉफ्ट हम इसे बनाएंगे, उतने ही अच्छे जो है वो मोदक बनेंगे। घी यहाँ लिया है जो बचा है, बीच बीच में हाथ में लगाते जाएं। आपको लगे कि चिपकता है तो बीच बीच में हाथ में इसे लगाते जाएंगे हम। बहुत ही अच्छे से इसको गूंदना है। देखिए, आप देख सकते हो इस टाइप से हथेलियों को चलाते हुए।
ये देखिए यहाँ मैंने अच्छे से इसे गूंद लिया। आप छोटा सा पीस उठा के ऐसे देख सकते हो, हाथ में ना चिपके, मतलब ये अच्छे से हो गया है। अब इसको यहाँ से मैं एक प्लेट में निकालूंगी, ठंडा भी हो गया है, ठंडा हो जाना चाहिए जब हम इसकी शेप दें। तो आइए अब आगे, ये ली है मैंने छन्नी क्योंकि इसको स्टीम में अभी पकाना है, तो हल्का सा इस पर हम एक दो बूंद घी की लगा देंगे ताकि मोदक इसमें चिपके ना जब स्टीम में ये पके। तो आइए आप मोदक की शेप दे लेंगे, ये घी है, बीच बीच में हाथ में हम लगाते जाएंगे इसे, बिल्कुल एक एक बूंद लगाते जाना है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए यहाँ से स्टफिंग भी ले लेंगे। अब लिया मैंने आटे का एक पीस, इसे गोल गोल घुमाएंगे, बिल्कुल छोटी सी इसकी चपाती हमने बनानी है। अब इसको फ्लैट किया, उसके बाद ऐसे हाथ से इसको बना लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट होता है इसकी शेप, हमने बहुत ही ध्यान से देनी होती है, बहुत सॉफ्ट होता है चावल का आटा क्योंकि हमने बाकी तो कुछ नहीं इसमें मिलाया, बिल्कुल चावल का ही आटा है तो बहुत सॉफ्ट होता है ये। ये देखिए बहुत ही अच्छे से शेप इसकी दे दिए, यानी कि हमने जो आटा है वो बहुत अच्छे से गूंद लिया था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। अब इसमें स्टफिंग डाल देंगे, 2 चम्मच मैं इसमें स्टफिंग के डाल दूंगी, बस ऐसे ही इसे हम शेप देते जाएंगे, मतलब इसको बस हमने स्टफिंग को इसमें छुपा देना है। शेप तो मैं आपको बताऊंगी कि इसकी हम कैसे देंगे, कोई सांचा नहीं है। देखिए नाइफ लिया, इससे ऐसे कट लगा दिए, देखिए नाइफ तो सबके होता है, कोई सा भी चाकू हो आपके पास, बस आप उसकी हेल्प से इसमें ऐसे निशान लगा दीजिएगा। देखिए कोई सांचा नहीं लिया है, कोई किसी कोई चीज़ नहीं चाहिए हमें, हम जो भी किचन में है उन चीज़ों से ही अच्छी चीज़ बना सकते हैं। देखिए हमने कितनी अच्छी शेप दे दी इसे, ये देखिए कौन कहता है कि कम चीज़ों में हम अच्छी चीज़ें नहीं बना सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ मेहनत लगती है, कुछ दिमाग लगता है तो सभी चीज़ें बन जाती है। नेक्स्ट भी ऐसे ही आटा लिया, गोल गोल किया, उसके बाद उसे फ्लैट किया, उसके बाद उसे हाथों से ही छोटी सी चपाती उसकी बना दी। जितना हो सके इसे हमने पतला, लेकिन बहुत पतला तो नहीं, नहीं तो स्टीम में फट भी सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल इतनी ही इसे, ये देखिए इतनी इसकी मोटाई होनी चाहिए। अब इसमें हम स्टफिंग डाल देंगे, ये हमने इसमें स्टफिंग डाल दी। अब इसको भी बिल्कुल वैसे ही पहले बंद किया, ये देखिए, उसके बाद ऐसे बिल्कुल ऐसे इसे बना देंगे जैसे हमने पहले बनाया था, वैसे ही हम चाकू लेके इसे भी शेप दे देंगे, निशान लगा देंगे, मतलब इस पर, ये देखिए बिल्कुल इजी है, निशान लगा देंगे इसमें ऐसे, बस ये आप किसी भी चाकू से लगा सकते हैं, स्पून से लगा सकते हैं, जो भी आपके पास हो। ये देखिए देखिए इसे भी हमने बहुत ही अच्छे निशान लगा दिए, कितना अच्छा लगता है देखने में, है क्या किसी से कम, वाह वाह वाह। देखिए इसे भी इसमें डाल देंगे, वैसे ही आगे भी आटा लेते जाएंगे, गोल गोल किया, फ्लैट किया, बस ऐसे ही बीच बीच में आपको लगे तो आप घी लगा सकते हो हाथ में, बिल्कुल इसे भी वैसे ही बना दिया, छोटी सी चपाती बना दी, इजीली बन जाएगा, बस आपने जो जो चीज़ें बोली वो ध्यान देनी है। अब इसमें भी हम स्टफिंग डाल देंगे, वैसे ही इसे भी देखिए ऐसे कुछ कुछ वैसे होता है जैसे मोमोज होते हैं, लेकिन उसके लिए हम अलग से शेप देते हैं, इसमें बस हम चाकू से ही निशान लगा देंगे। ये देखिए हाथ से ही पहले ऐसे इसे गोल गोल घुमाया, उसके बाद ऐसे किया जैसे मोदक की शेप होती है, वैसे दे दी। ये देखिए इसे भी बना लिया, बस इसमें भी हम वैसे ही चाकू से निशान लगाएंगे, तो बस मैं सभी को ऐसे ही बना लेती हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने सभी बना दिए जितने इस थाली में आने थे,
देखिए कितने अच्छे हैं, आइए झटपट इसे स्टीम में पका लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ गैस पे मैंने एक पैन लगा दिया था, पानी के दो गिलास लगा दिए थे जिसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। इसमें मैंने प्लेट लगा दी है, ढक्कन लगा देंगे। आपके पास ऐसा ढक्कन हो तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी थाली प्लेट इस पे लगा देंगे। बस ध्यान देना है कि कहीं से इसमें हवा ना जाए, साइड में ऐसी प्लेट होनी चाहिए। बस 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे मीडियम आंच पे। 10 मिनट में पक जाते हैं, बहुत ही अच्छे मोदक बनेंगे, देखिएगा आप। पकने देते हैं 10 मिनट। यहाँ 10 मिनट का टाइम हो गया है, मैंने गैस को किया यहाँ पे बंद। उठा के देख लेते हैं ढक्कन। वाह वाह वाह, देखिए गैस कितने अच्छे फूल गए हैं, कितनी अच्छी इस पे शाइन आई है, देखिए बिल्कुल वाइट, क्योंकि चावल के आटे से बने हैं भाई। तो बस इन्हें अब हल्का सा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद यहाँ से उठाऊंगी, जब वे हल्के से ठंडे होंगे, उठाने लायक होंगे जब। ये यहाँ उठा दिया है मैंने मोदक को, प्लेट में निकाल दिया, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, देखो। वाह वाह वाह, बिना सांचे से देखिए हमने कितना अच्छा डिजाइन इसमें बनाया है, कितने अच्छे ये बने हैं, कहीं से फटे नहीं है। तो कौन कहता है कि कम चीज़ों में अच्छी चीज़ नहीं बन सकती, बन सकती है ना। तो मैं आज 1K की खुशी में इसका भोग लगाऊंगी गणपति जी को। जैसे कि आपको भी पता होगा कि सबसे पहले गणपति जी को ही पूजा जाता है, तो उनके लिए मैं इसका भोग लगाऊंगी, उनको धन्यवाद कहूंगी, साथ में आप लोगों को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने यहाँ तक साथ दिया है, आगे भी देते जाएंगे। बस तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जितना हो सके इस वीडियो को अपने जानने वालों में, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अब मिलेंगे एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।